फ्रेंडलिच एडसोर्प्शन आइसोथर्म। उसके थर्ड पार्ट में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, तो एक बार हम उसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमने लिया था उसका मॉडरेट प्रेशर पर जो हमारा एडसोर्प्शन था वो प्रेशर पर कैसे डिपेंड करेगा, कौन सा टेम्परेचर पर, मॉडरेट टेम्परेचर। इसका जो ग्राफ था उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी इसलिए ये पार्ट में दोबारा करा रही हूँ। इसका मॉडरेट टेम्परेचर था जहाँ पर, वहां पर जो एडसोर्प्शन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पी की पावर 1/n। जो हमारा एडसोर्प्शन था वो प्रेशर की कुछ पावर पर डिपेंड कर रहा था, जहां पर जो हमारा n है वो वैरी करेगा 0 से 1 के बीच। जो n है वो वैरी करेगा 0 से 1 के बीच। इसका मतलब क्या है, मॉडरेट प्रेशर का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई हम ना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना बहुत कम प्रेशर अप्लाई कर रहे, बीच का प्रेशर अप्लाई कर। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया था लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, हमने दोनों तरफ लॉग लिया था। लॉग की प्रॉपर्टी आपने अपने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में भी की होंगी, वही प्रॉपर्टीज छोटी छोटी हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी। ले लिया लॉग हमने, यहाँ पर आएगा लॉग एक्स बाय एन, पहले हमें इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आगे हटाएंगे कोई कॉन्स्टेंट आएगा, वो हमने लिया था k। तो यहाँ पर आ गया k की पावर 1/n। अब इस टर्म पर हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, ठीक है, लिया हमने लॉग, यहाँ पर आ गया लॉग x बाय n, इधर भी लिया लॉगरिथम तो यहाँ पर आ गया लॉग k p की पावर 1/n, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी लॉग की यहाँ पर लगेगी, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ पर ही लगाते हैं अपनी दोनों प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसको हम मान के चलते हैं m और इस पूरे टर्म को हम मान के चलते हैं n, ठीक है। चलो n हमने यहाँ पर यूज कर दिया ऑलरेडी, तो हम इसको क्या मान के चलो, ठीक है, ये मेरा m है, ये मेरा q है। तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगेगी, log m into में q, क्या होता है इस मल्टीप्लाई के साइन को थोड़ा सा जब हम घुमाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्लस u। इसको मैंने हल्का सा रोटेट किया, ये बन गया प्लस। यहाँ पर प्रॉपर्टी में लग जाएगा log m plus log q, ठीक है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा log x by m is equal to log m की वैल्यू क्या थी, k पुट कर देती हूँ तो q की वैल्यू क्या थी, p की पावर 1/n। कर दिया इतना हमने। अब यहाँ पर फिर से हमें लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। मान लो मेरा p है m और 1/n इक्वल टू है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी log m की पावर क्या, मतलब किसी भी वैल्यू की जो भी पावर होगी उसमें क्या होता है, वो पावर उसके आगे आ जाती है। तो यहाँ हो जाता है क्या log क्या आया यहाँ पर, क्या log n, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्या आ जाएगा log x by m is equal to log k plus क्या की वैल्यू क्या थी 1/n लिख दी हमने और m की वैल्यू log p, ये आ गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन है जो मैथ में आप जो स्ट्रेट लाइंस ये सब पढ़ते हो उसकी इक्वेशन से रिजेंबल करती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है हमारी y इज इक्वल टू m
by mx plus c. अब y का मतलब कि y की वैल्यू जो y कोऑर्डिनेट पर हो उसकी वैल्यू, x की जगह जो भी हम लिखेंगे मतलब वो x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर y की जगह आ गया log x बार m, तो मतलब y कोऑर्डिनेट पर हमें log x बार m लेना है, ठीक है। m की वैल्यू आ गई 1 बाय n, m होता है हमारा स्लोप, हर लाइन का एक स्लोप होता है वो है हमारा यहाँ पर 1 बाय n। m x की बात करते हैं, x की वैल्यू है log की, मतलब हमें x कोऑर्डिनेट पर क्या लेना है log p, और c की वैल्यू रह गई हमारी log k, c की वैल्यू क्या रहेगी हमारी log k। अब हम ग्राफ की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन हमें पता है सबको कैसी होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है हमारी, जब भी इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू होगी तो हमारा ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, जब भी c की वैल्यू होगी, बाय चांस यहाँ पर कोई c की वैल्यू ना होगी तो मैं अपना ग्राफ कुछ इस तरह बनाऊंगा, जब मेरे c की वैल्यू मुझे गिवन नहीं होती, मेरे इंटरसेप्ट की वैल्यू मुझे गिवन ना हो तो मैं c की वैल्यू c का अगर ना होता तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह की लाइन से होता, मतलब ओरिजिन से शुरू हो रहा होता, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास c की वैल्यू मतलब y एक्सिस पर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है ऑलरेडी, मतलब वहां पर एड्सॉर्प्शन पहले ही है, y एड्सॉर्प्शन पहले ही होने का मतलब क्या है, हमने प्रेशर पहले से अप्लाई कर चुके थे, वहां पर हमारी फ्रेम जो हमारा फोम था जो हमारा पेज था उस पर हमारी फोटो हल्की सी तो प्रेशर अप्लाई करने से पहले चिपक चुकी है, तो वहां पर एड्सॉर्प्शन की ऑलरेडी कुछ ना कुछ वैल्यू आ चुकी है, तो हम उसे जीरो मानकर नहीं चलेंगे, वहां पर थोड़ा सा एड्सॉर्प्शन है तो हम उसको जीरो नहीं मान सकते कि भाई हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, हमारा सरफेस बिल्कुल खाली पड़ा है, फिर हमने मॉडरेट प्रेशर पर उस पर एड्सॉर्प्शन शुरू किया, लो प्रेशर पर वहां एड्सॉर्प्शन शुरू हो चुका है, एड्सॉर्प्शन वहां पर हो चुका है तो उसकी हम जीरो वैल्यू नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने ये ग्राफ यहां से शुरू किया है, और जो ये इतना डिस्टेंस है इसकी वैल्यू हो गई है लॉग के, और जो हमारा इंटर स्लोप है इस लाइन का उसकी वैल्यू हो गई है 1 बाय n। मेरी बाय वाले बच्चों को ना बताओ तो ये इक्वेशन रट लेना, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y is equal to mx plus c, हम कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे और अपना ग्राफ बना दिया हमने log x by m और log p के बीच में फॉर थर्ड पॉइंट, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमने आगे बात की थी कोलोइडल सॉल्यूशन कि भाई कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है या कोलोइडल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, कोलोइडल स्टेट्स ऑफ मैटर, कोलोइडल स्टेट्स ऑफ मैटर और कोलोइडल सॉल्यूशन ये डिफाइन करना है हमें, डेफिनेशन में इसी कई बार पूछ लेता है पेपर में एक नंबर में, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन सिर्फ वो होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, कोलोइडल सॉल्यूशन हमारा वो सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल्स का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ठीक है। अब जो ये हमारा सॉल्यूशन है ये सिर्फ पास हो सकता है फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर का सफेद जो आपने लैब्स में यूज भी किया होगा देखा भी होगा, ठीक है, जो हम लैब में फिल्ट्रेशन के लिए मतलब किसी भी सॉल्यूशन को छानने के लिए यूज करते हैं, सिर्फ फिल्टर पेपर से
पास्ट हो सकता है, जो हमारी वेजिटेबल या फिर एनिमल मेम्ब्रेन होती है उससे ये पास नहीं होगा। वेजिटेबल एनिमल मेम्ब्रेन से मतलब क्या था हमारा, कि जो कभी प्याज छील के देखना अगर नहीं छीली हो तो उसके ऊपर हल्की सी पतली सी व्हाइट सी कलर की लेयर उतरती है, वही हमारी वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कितनी पतली सी बारीक सी होती है, तो उससे भी उससे जो पार्टिकल्स है वो पास नहीं होते। तो यही से हम इसकी डेफिनेशन बना देंगे, पार्टिकल्स हूज साइज लाइज, पार्टिकल्स हूज साइज लाइज इन बिटवीन 10 angstrom to 10,000 angstrom, which can pass through किससे पास हो रही थी वो फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर बट do not pass through, किस किस से पास नहीं होगी, वेजिटेबल और एनिमल मेम्ब्रेन से, पास थ्रू एनिमल एंड वेजिटेबल मेम्ब्रेन, कि भाई इन दोनों से पास नहीं होगी, सिर्फ फिल्टर पेपर से ही वो पास हो पाएगी। अब फिल्टर पेपर के थोड़े से पोर्स बड़े होते हैं तो उसमें से वो पास हो जाती है। ठीक है, जो हमारा जैसे चाय जब हम छानते हैं, पोर्स छोटे होते हैं हमारी छल्ली के, जो चाय पत्ती है वो बड़ी होती है, वो छल्ली के पोर्स में से नहीं निकल पाती, ऊपर रह जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो पोर्स बहुत छोटे हैं। अगर हम थोड़ी सी और बड़े पोर्स की छल्ली ले आए तो चाय पत्ती भी उसमें से निकल जाएगी। तो इसी तरह फिल्टर पेपर के पोर्स थोड़े से उसके लिए बड़े होते हैं तो इजीली पास आउट उससे हो जाते हैं, लेकिन जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है, वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है, उनके पोर्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए वो उससे इजीली पास आउट नहीं होती। तो ये हो गई हमारी कोलोइडल स्टेट्स ऑफ मैटर की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम आगे हमें डिफरेंस करना है तीन सॉल्यूशंस के बीच में, हमें तीन सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस करना है। आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे, कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, आप लोग भी कर सकते हो, हम नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक डिस्कस कर दिया करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर रहे थे हमारा, क्योंकि हमें डिफरेंस करना है किस किस के बीच में, टू सॉल्यूशन के बीच में। ठीक है, अभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन पड़ा है उसके बीच में, और एक हो गया हमारा सस्पेंशन। हमें इन तीन सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंशिएट करना है कि ये तीन तरह के सॉल्यूशन है, हमें देखना है कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी हमें ट्रू सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता, सस्पेंशन के बारे में कुछ नहीं पता, पर कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में हमें पता है। क्या पता है, कि जो पार्टिकल का साइज है इसमें, पार्टिकल का जो साइज है, पार्टिकल साइज लाइज इन बिटवीन 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम, कि जो भी पार्टिकल का साइज है वो 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करे। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन इससे पहले, ठीक, तो जो पार्टिकल का साइज है वो 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा होगा,
जो पार्टिकल का साइज है वो 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे पार्टिकल साइज इज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सस्पेंशन इसके बाद लिखा हुआ है तो बाद वाले टर्म उठा लेते हैं। इसमें जो पार्टिकल का साइज होगा, पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतनी चीज तो हमें इस पॉइंट से क्लियर हो गई। अब ट्रू सॉल्यूशन है जो हमारा, उसको हमें शर्तों का सबने क्या हुआ उसी की हेल्प से समझना है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन हमें समझना है शरबत की हेल्प से, कोलोइडल सॉल्यूशन हमें समझना है कफ सिरप, खांसी भी सबको होती ही होगी सर्दियों में। ठीक है, कफ सिरप सबने पिया होगा, उस कफ सिरप की हेल्प से समझना है। और जो हमारा सस्पेंशन है वो समझना है हमें कीचड़ की हेल्प से। ठीक है, कीचड़ भी सबने देखा ही हुआ, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कीचड़ नहीं देखा हुआ। और वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है तो जिसने नहीं देखा, जब बारिश के बाद गलियों में जाओगे तो देख लेना। तो ट्रू सॉल्यूशन हम समझेंगे शरबत की हेल्प से, कफ सिरप की हेल्प से समझेंगे हम कोलोइडल सॉल्यूशन, और जो हमारा सस्पेंशन है वो समझेंगे हम कीचड़ की हेल्प से। ठीक है, ये चीजें हमने देखी हुई है तो हम इजिली इन्हें समझ पाएंगे। अब कोलोइडल सॉल्यूशन को लेके चलते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है हमारा, डेफिनेशन से एक हिस्सा उठा लिया था, दूसरे हिस्से की बात करते हैं। इसमें जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से भी वो पास हो जाता है। ठीक है, और पास किससे नहीं होता, बट नॉट थ्रू वेजिटेबल एंड एनिमल मेम्ब्रेन, कि भाई इन दोनों से वो पास नहीं होता, सिर्फ पास किससे होता है, फिल्टर पेपर से। अब ट्रू सॉल्यूशन में हमने देखा शरबत में जब हम पानी में जैसे रूह अफजा वो खोलते हैं, क्या हमें रूह अफजा के पार्टिकल्स दिखते हैं अलग अलग पड़े हुए, नहीं दिखते। और यहां से देखो साइज 10 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा है, तो मतलब वो उसका इतना छोटा हमारा जो साइज होता है वो फिल्टर पेपर से तो आराम से पास होगा ही होगा, साथ में वेजिटेबल और एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाता है। साइज इसका इतना छोटा होता है कि अगर हम उसे प्याज की उस छोटी सी लेयर से भी छाने तो वो वहां से पास हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड एनिमल या फिर वेजिटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उससे भी ये पास हो जाएगा। अब कीचड़ तो सबने देखा हुआ है, क्या उसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, नहीं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ना ये फिल्टर पेपर से पास होता है, ना ये वेजिटेबल या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो। तो यहां पर हम लिख देंगे डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन, कि भैया किसी में से भी पास नहीं होता। ठीक है, अब जैसे मैंने एक कांच के ग्लास में शरबत डाला, एक कांच के ग्लास में मैंने डाल दी कफ सिरप और एक कांच के ग्लास में डाल दी कीचड़। ठीक है,
शरबत में से क्या मुझे आर पार दिख जाता है? उसमें इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमें शरबत में आराम से दिख जाता है। ठीक है, अपने घर में भी घर के देख सकते हो। अगर कुछ और नहीं है, चीनी तो सबके घर होगी, पानी में घोल के देख लेना चीनी, कांच के ग्लास में डालना, फिर देखना कि क्या आपको उसके आर पार दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो हमें शरबत के अंदर से आर पार दिख जाता है, तो हम इसको लिख देंगे इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आर पार दिख जाता है हमें उस चीज में से, तो हम उस चीज को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक, अब हम बात करते हैं कफ सिरप। कफ सिरप गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, उसके अंदर से इतने अच्छे से दिख नहीं पाता, पर हाँ जब हम उसमें से लाइट पास करते हैं वो लाइट पास हो जाती है उसमें से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज ट्रांसलूसेंट, इट इज ट्रांसलूसेंट। कि भाई अच्छे से दिख तो नहीं पाता बट उसके अंदर से लाइट पास हो जाती है हमारी, इसके अंदर से दिखेगा भी और लाइट तो पास होगी ही होगी। ठीक है, इसके अंदर से दिखाई नहीं दे पाता पर लाइट पास हो जाती है हमारी। लेकिन वही हम कीचड़ डालें अगर, तो उसमें से दिखता भी नहीं है और हमारी लाइट भी पास नहीं होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज ओपेक, कि भाई इसमें से लाइट तक पास नहीं हो पाती। ठीक है, अब किसी के ऊपर मैं शरबत का गिलास गिराऊं, एकदम से बह जाता है वो। ठीक है, तो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है वो डिफ्यूज क्विकली, कि भाई वो फटाफट से बह जाए। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें पाउडर सॉल्यूशन की, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, जैसे फेविकोल को मान लो, इतने अच्छे से इतने जल्दी जल्दी डिफ्यूज नहीं हो पाता, फेविकोल तो सबसे गिरा ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं कभी गिरा ना हो, तो थोड़ा आराम आराम से बहता है, तो डिफ्यूज स्लोली यहाँ पर लिख देंगे हम, डिफ्यूज स्लोली, ये बहुत फटाफट बह जाता है। पानी तो सबसे गिरा ही होगा, या देर लगती है पानी गिरने में? बिल्कुल भी नहीं। तो ट्रू सॉल्यूशन डिफ्यूज क्विकली, और जो हमारा कलर्ड सॉल्यूशन है हल्का गाढ़ा होता है, तो इसलिए डिफ्यूज स्लोली। लेकिन जो कीचड़ होता है हमारा, अगर किसी ने मिट्टी घोल के देखी हो, डाल गिर के देखा हो उससे, तो सिर्फ पानी पानी से होता है वो तो गिर जाता है, लेकिन जो उसके कीचड़ के मेन पार्टिकल्स होते हैं जैसे मिट्टी होती है, वो वही की वही जमी रह जाती है, वो गिरती ही नहीं है। तो ये डू नॉट डिफ्यूज, ये भी बहता नहीं है। अगर इसका और अच्छा एग्जाम्पल देखना हो, तो कई बार बारिश के दिनों में क्या होता है, हमारी जो नालियां होती हैं वो जाम हो जाती है। क्यों हो जाती है जाम? वहां पर कीचड़ बैठ जाता है, कीचड़ पानी के साथ तो बह नहीं बैठता, वो बैठ जाता है वहीं, तो उसकी वजह से जो हमारी नालियां हैं मोस्टली रेनी सीजन, वो हमारी क्या हो जाती है, जाम हो जाती है। तो वहां से हमें पता चल गया जो सस्पेंशन है, मतलब कीचड़ है, वो बहेगा नहीं। ठीक है, अब जो मैंने रोजा शरबत चीनी जो भी मिलाया था सॉल्यूशन के अंदर, क्या ऐसा होता है अगर हम उसे अच्छे से घोले कि वो नीचे बैठ जाए, तली में हमें बैठा हुआ मिलेगा? कभी भी नहीं होता। तो इट डू नॉट सेट, ये सेटल नहीं होता, इट डू नॉट सेट। अगर कफ सिरप की बात करें, अगर कफ सिरप प्रॉपर अच्छी कंपनी की हो, अगर प्योर स्टेट में हो, अगर हम बात करें कफ सिरप अगर प्योर हो, तो वो भी कभी नहीं बैठती। हाँ, कई बार हम ऐसी लेके आते हैं कि वो बैठ जाती है, तो इससे समझ जाना आगे से कि वो कफ सिरप सही नहीं है। सही कफ सिरप होगी जो बिल्कुल सही होगी, वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होगी, तो ये भी सेटल डाउन नहीं होगी, डू नॉट सेटल। और
जो बहता नहीं है वो तो ऑलरेडी बैठा हुआ ही है, ठीक है। तो ये तो सेटल डाउन ही हमारा, सेटल डाउन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, अगर मैं जैसे रूह अफ़ज़ा घोल रही हूँ, अच्छे से मैंने घोला हुआ है, तो जैसा वो मेरा ऊपर उसका टेस्ट होगा, वैसे ही मुझे जब पीऊंगी तो बीच में मिलेगा, और वैसे ही मुझे बिल्कुल ग्लास की तली में मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने उसे अच्छे से घोला हुआ, अगर अच्छे से मिक्स नहीं किया हुआ, तो ऊपर फिक्का फिक्का मिलता है, नीचे मीठा मीठा मिलता है। अगर अच्छे से मिक्स करते हैं तो जैसा ऊपर टेस्ट होता है वैसे ही बीच में और वैसे ही बॉटम, ठीक है। तो हम यहां से बोल देंगे कि जो ये सॉल्यूशन होता है ये होमोजीनस होता है। होमोजीनस, होमो का मतलब होता है सेम, क्या सेम, कंसंट्रेशन, कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन हमारे सेम कंसंट्रेशन है, ठीक है। वही हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो हिट्रोजीनस होता है, क्या होता है, ठीक है। इसी तरह जो हमारा कीचड़ भी होता है, कीचड़ में तो पता नहीं क्या क्या मिला होता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, हिट्रोजीनस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन कंपेयर करके हम यहाँ तक आराम से ले सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन उठाई, ये दो पॉइंट्स हमारे वहां से ही क्लियर। फिर आगे हमें समझना है शरबत की हेल्प से, कफ सिरप की हेल्प से और कीचड़ की हेल्प से, ठीक है। शरबत सबने देखा होगा, कफ सिरप सबने पी हुई है, और सस्पेंशन मतलब कीचड़ भी सबने ही देखा होगा। तो हम आराम से कंपेयर कर करके हमें अपनी सारी प्रॉपर्टीज को याद कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक। अब आगे बात करते हैं, और हाँ, जितना आज जितना होगा उतना सबको कल याद करके आना है। मैं किसी से भी कोई भी क्वेश्चन कल, जब जितना भी हुआ है अब तक, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सुन सकती हूँ, तो सब अपना रिवाइज करके आना, ठीक है। अब हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। डिफाइन फॉलोइंग, जैसे ये इजी सा था, ये भी इजी इजी सी ही है, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर क्या हुआ आपने, और सॉरी सेकंड चैप्टर क्या हुआ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो वर्ड्स बार बार आए होंगे, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। एक वर्ड था सॉल्वेंट और एक वर्ड है हमारा सॉल्यूट। सॉल्वेंट वहां पर क्या होता था, सॉल्वेंट में देखो कितने लेटर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और सॉल्यूट में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जिसमें ज्यादा लेटर्स, तो जो ज्यादा क्वांटिटी होता था उसे हम सॉल्वेंट बोल देंगे, और सॉल्यूट में कम लेटर्स हैं, तो जो कम क्वांटिटी में होगा सॉल्यूशन के अंदर, हम उसको सॉल्यूट बोल देंगे। तो इसी तरह यहाँ पर हमें दो डेफिनेशंस करनी है, एक है हमारी डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, और दूसरी है मेरी डिस्पर्शन फेज। डिस्पर्शन फेज, तो वही चीज हम यहां पर करेंगे। डिस्पर्शन वर्ड दोनों में सेम है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अब डिफरेंस कहां, एक में मीडियम है, एक में फेज है। तो मीडियम में ज्यादा वर्ड्स है, तो जो भी हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वहां पर जो हमारे एक
पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम पार्टिकल्स के वर्ड यूज करेंगे हमारा डिस्पर्शन मीडियम। तो हम लिख देंगे अ मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर, अ मीडियम इन विच पार्टिकल्स ने, कौन से पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से इसका हम किस साइज बता सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। अ मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, कि भाई जिसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स फैलेंगे, तो फैलने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, तो इसलिए इसका नाम हो गया डिस्पर्शन मीडियम। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, अ मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। ठीक है, अब डिस्पर्शन फेज क्या होता है, फेज सुने ही होंगे भी, लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज में, तो जहां पर वो हमारे पार्टिकल्स हैं वो फैलेंगे, जहां पर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो फैलेंगे उसको हम लेके चलेंगे हमारा डिस्पर्शन फेज। तो यहाँ पर हो गया कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन dispersion medium, distributed in dispersion medium is called dispersion phase। कि जो particle